हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुंदरू की सब्जी बनाने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हम कुंदरू की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। कुंदरू की सब्जी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है कुंदरू, गार्लिक जिसे हमने बारीक कूट लिया है, जीरा, लाल मिर्च, सौंफ, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला और तेल। कुंदरू को हमने अच्छे से धो के सुखा लिया है। अब हम इसको कटिंग करना बताएंगे। सबसे पहले हम इस पार्ट को काट के हटा देंगे और नीचे वाले पार्ट को, फिर इसको हम दो टुकड़े में ऐसे कर लेंगे और एक टुकड़े को हम चार पीसेस में पतले पतले काट लेंगे। कुंदरू को हमने ऐसे एक साइज में काट लिया है। ये कुंदरू अपना 400 ग्राम है। अब हम अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तो गैस पे हम एक कढ़ाई रखे हैं और गैस को ऑन कर लेंगे। उसमें हम 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा थोड़ा ज्यादा ही डालेंगे जिससे एक स्वाद आएगा। उसमें अब हम ये लाल मिर्ची को दो टुकड़े में तोड़ के और डाल देंगे और ये सौंफ को भी डाल देंगे। कुछ सेकंड में ये फोरन रोस्ट हो जाएगा। अब इसमें हम ये गार्लिक टुकड़ा करके जो रखा है उसे डालेंगे और इसे 1 मिनट तक या ब्राउन होने तक भून लेंगे। आप देख रहे हैं लहसुन और फोरन का कलर कितना सुंदर हो गया है। अब आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम आधा मिनट के लिए भूनेंगे। आधा मिनट हो चुका है। अब हम इसमें अपना कुंदरू डाल देंगे और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम तेज कर लेंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। सब्जी को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको ढक कर 10 मिनट तक पकाएंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। हम ढक्कन हटा के और एक बार कुंदरू को अच्छे से चला लेंगे। आप देख सकते हैं कुंदरू सॉफ्ट हो चुका है। अभी ये थोड़ा सा कच्चा दिख रहा है, तो फिर हम ढक्कन से कवर करके और 5 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटा के हम एक बार कुंदरू को चला लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार हम डालेंगे। इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डाला है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और सबको मिक्स कर लेंगे। अब कवर करके हम 1 से 2 मिनट और पकने देंगे। अब हम ढक्कन हटा के और
एक बार फिर से सब्जी को मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को तेज कर लेंगे और इसे थोड़ा सा सुखा लेंगे। ऐसे चलाते हुए पलट पलट के सुखा लेंगे। आप देख सकते हैं कुंदरू गल चुका है, तो ये अपनी कुंदरू की सब्जी पक चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक सर्विंग डिश में हम इसे निकाल लेंगे। सब्जी अपना तैयार है। इसे आप भी बनाइए, टेस्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।